इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो नेक्रोसिस देखा था तो उसकी वजह से क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं सेल के अंदर, वो देख लेते हैं। तो नेक्रोसिस की एपोप्टोसिस की वजह से जो भी सेल होता है उसमें इन्फ्लामेटरी चेंजेस नहीं होते हैं, सेल का श्रिंक होता है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है, कोई भी टाइप का इन्फ्लामेटरी चेंजेस नहीं मिलेगा। एपोप्टोसिस में आपको कोई भी सेल मेम्ब्रेन का डैमेज नहीं होगा, एपोप्टोटिक बॉडी मिलेगी वहाँ पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आप करोगे तो नेक्रोसिस में क्या मिलता है, डिफ्यूज पैटर्न मिलेगी, और एपोप्टोसिस में स्टेप लैडर पैटर्न मिलेगी, ठीक है। देन अब देखो ये मैं आपको बेसिक आपको उनका एपोप्टोसिस और ये नेक्रोसिस के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, अगर इसका नेक्रोसिस होता है तो ये सेल इस तरह से, इसमें स्वेलिंग होगा, ठीक है, इसमें ब्लिप फॉर्मेशन होगा, फिर ये यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी टाइप का ऑर्गेनाल का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ ब्लिप फॉर्मेशन होता है, और ये ब्लिप एक दूसरे से फ्यूज होकर बड़े होने लगते हैं, और इस तरह से फिर मेम्ब्रेन का यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं रप्चर हो जाता है, और पूरा जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन का रप्चर होके और रिलीज होता है, सेल के ऑर्गेनाल बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, देखो एपोप्टोसिस यानी कि जो फिजियोलॉजिकल डेथ होती है वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि स्मॉल ब्लिप फॉर्मेशन तो होते हैं, लेकिन इस तरह से ब्लिप में फिर ऑर्गेनाल जाते हैं, अलग अलग ब्लिप अलग हो जाते हैं इस तरह से, और अब अलग अलग ब्लिप अलग अलग काम करने लगते हैं, इसको बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडी। ये पूरा एपोप्टोसिस हुआ था, ये अलग अलग सेल बन, ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए सेल के, इसको बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडी, और हर एक बॉडी में डीएनए के फ्रेगमेंट है, ठीक है, तो ये डिवाइड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पूरा मटेरियल बाहर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे रप्चर नहीं होती है मेम्ब्रेन, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडी होते हैं, और हर एक बॉडी अपना अपना काम करता है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाल अपना अपना काम करता है। देखो टाइप ऑफ एपोप्टोसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है, जनरली एपोप्टोसिस तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, फिर भी उसके दो टाइप है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेल की जरूरत होती है एम्ब्रियो का प्रोडक्शन करने के लिए, तो जो भी उसको जब हम चलो ठीक है सेल को सेल क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बनाने के लिए बहुत सारे सेल की जरूरत थी, बॉडी ने दे दिया, लेकिन एक प्रॉपर शेप देने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन का उसको जो एक्स्ट्रा सेल है उसको रिमूव करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में जो एक्स्ट्रा सेल की होती है वो जो होती है वो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का एग्जांपल है। पैथोलॉजिकल अगर बात करें तो जैसे कीमोथेरेपी की वजह से सेल में डीएनए का चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है, तो वो सेल को हम मार देती है बॉडी कि भाई इसका म्यूटेशन हो रहा है डीएनए का, अगर आगे चल के ये कैंसर वगैरह प्रोड्यूस ना करे, इसलिए तो वो पैथोलॉजिकल है, ठीक है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बीच में। तो सबसे पहले एपोप्टोसिस जो होता है वो प्री प्रोग्राम सेल डेथ है, सुसाइड है सेल का, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हर एक सेल को मरना है, जबकि ये जो है प्री मैच्योर डेथ है, नक्की नहीं था फिर भी मरना पड़ रहा है कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या कोई भी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है एपोप्टोसिस, जबकि ये पैथोलॉजिकल है, ये एक्टिव है एपोप्टोसिस, खुद मरना पड़ता है सेल को, खुद एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जबकि ये पैसिव है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के चलते ही इसकी डिस्ट्रक्शन होता है। इट इज़ नॉट फॉलोड बाय इन्फ्लामेशन, यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेटरी चेंजेस नहीं मिलेंगे। जैसे मेंसिस में भी होता है कि एक इस्ट्रोजन, जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो सेल को प्रोड्यूस करते हैं एंडोमेट्रियम के, और फिर इस्ट्रोजन क्या करता है एंडोमेट्रियम के सेल बनाता है, प्रोजेस्टेरोन उसको सस्टेन करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, लेकिन हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में उसका सेडिंग होता है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम का सेडिंग होता है, वहाँ के सेल डिस्ट्रक्ट होते हैं, तो वहाँ पर क्या इन्फ्लामेशन मिलता है, नहीं, ठीक है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस, एंड नेक्रोसिस इज फॉलोड बाय इन्फ्लामेटरी चेंजेस, ओके। और एपोप्टोसिस जो होता है वो कोई एक सेल में होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो होता है पैथो फेगोसाइटिक सेल जो होता है वो होते हैं सेल, कौन से होते हैं मैक्रोफेज, वहाँ पे सिर्फ जैसे कि सेल डेथ हो गई है, जैसे कि एंडोमेट्रियो एंडोमेट्रियम का सेडिंग हो रहा है, तो वो जो सेल डेथ हो गई है तो उसको इंगल्फ करने के लिए, उसको हटाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वहाँ पे फेगोसाइटो सेल मिलेंगे मैक्रोफेज, यहाँ पे आपको इन्फ्लामेटरी सेल मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पाथवे होता है वो कैसपेस डिपेंडेंट होता है कि वहाँ पे सेल को अपने तरीके से अपनी एनर्जी यूज़ करके, अपने एंजाइम यूज़ करके अपना सुसाइड करना पड़ता है, यहाँ पे कैसपेस पाथवे नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे सिम्टम्स आपको इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मॉर्फोलॉजिकली देखें तो यहाँ पे आपको स्वेलिंग श्रिंकिंग मिलेगी, और ये गलती से मैंने लिख दिया है, यहाँ पे एपोप्टोसिस में आपको श्रिंकिंग मिलेगी, यहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है, ये वाइस वर्सा हो गया है।
फिर यहाँ पे एपोप्टोसिस में आपको एपोप्टोटिक बॉडी मिलेगी, यहाँ पे सेल ऑर्गेनाल का डैमेज होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन का रप्चर नहीं होगा एपोप्टोसिस में, यहाँ पे होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर का डैमेज नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर का कंडेंसेशन होता है, डीएनए का लाइसिस एपोप्टोसिस में नहीं होता है, यहाँ पे उसका सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होता है, ये वाइस वर्सा हो गया है। एंड एपोप्टोटिक बॉडी जो होती है वो एपोप्टोसिस में होती है, फंक्शन करती है, यहाँ पे नहीं करती है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अगर वीडियो अच्छा हुआ हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना।